थाना मलपुरा के अंतर्गत गांव अजीजपुर में रविवार रात हुई बीडीसी की पति की हत्या लेन देन के विवाद में की गई थी। पुलिस ने 36 घंटे लगातार काम करके घटना में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष अन्य दो अभियुक्तों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर घटना का खुलासा कर दिया है। बता दें कि रविवार की रात मलपुरा थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव में घर से खाना खाकर बाहर टहलने निकले बीडीसी के प्रॉपर्टी डीलर पति राकेश की बदमाशों ने घर में बुलाकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। मृतक की हत्या की पूरी साजिश पहले से ही तैयार प्लानिंग के साथ की गई थी और मृतक के शरीर पर 7 गोलियां मारी। बदमाशों ने इत्मीनान से 3 गोलियां सीने और 3 पीठ पर मारने के बाद अंत में उसके माथे पर बंदूक सटाकर गोली मारी। इस मामले में मृतक के भतीजे ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब हत्याकांड की कड़ियां जोड़ी तो पता चला कि मृतक का मूल निवास शमशाबाद क्षेत्र में है और यहां वह अपनी बहन के घर पर रह रहा था। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब 8 टीमें गठित कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा के SSP बबलू कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्या में कुल 6 लोग शामिल थे। लेनदेन के विवाद में बीडीसी के पति राकेश की हत्या की गई थी। हत्या की पूरी साजिश में से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 2 मुख्य अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी गई है, जिन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। प्रोफेशनल किलिंग थी, इसको चैलेंज के तौर पर लेते हुए हम सभी अधिकारियों ने SP वेस्ट के नेतृत्व में 8 टीमें बनाई थी, जिसमें SOG की टीम, सर्विलांस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और थाना की टीम। इन सभी लोगों ने 36 घंटों में इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए आज उस घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही साथ 2 असलहे भी बरामद किए हैं, जिससे मृतक को जो है की हत्या की गई थी। पकड़े गए सभी हत्यारोपी शातिर बदमाश हैं, जिनके ऊपर पहले भी हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। ये सभी जमानत पर बाहर थे, बाकी 2 अभियुक्तों को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। DG महाराजा न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।